आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर हैविंग द कोर एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एन वन एंड एन टू रेस्पेक्टिवली इज। तो बच्चों अपने पास इस तरह से सिचुएशन है कि मान लो कि ये अपने पास एक क्लैडिंग है, इस तरह से अपने करी हुई है और ठीक है यहाँ पर, तो इसके अंदर क्लैडिंग होगी आप लोगों की अंदर, यस यहाँ पर। मान लो इसका आपको परफेक्ट इंडेक्स दिया है N1, ये दिया अपन को N1 और बाहर का हो गया कॉर्डिंग जो अपन ने की है कोर का, तो ये हो गया क्लैडिंग जो है वो बाहर है, सॉरी क्लैडिंग बाहर है, तो बाहर जो क्लैडिंग की है अपन ने वो इस तरह से N2, तो जो लाइट आएगी अपने पास कुछ इस तरह से आएगी, ये लाइट जो इंसिडेंट होगी कुछ इस तरह से लाइट इंसिडेंट है आपके पास, ये लाइट इंसिडेंट है, फिर वो अंदर जाएगी एंड दैट विल बी लाइक दिस। ठीक, तो ये एंगल जो अपन बोल रहे हैं वो एंगल I है और ये एंगल जो है वो अपना एंगल R है। तो अपन मिनिमम एंगल को जो है वो अपर्चर बोलेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो एक्चुअली ये लाइट है वो ऐसा हो जाना चाहिए, लाइट को इस तरह से हो जाना चाहिए ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू की, क्या पर्टिकुलर साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम हो ताकि वो बाहर ना जाए लाइट, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। तो बच्चों पर मैं यहाँ से स्नेस लगाता हूँ फर्स्ट इस सर्फेस के लिए, तो यू गेट 1 × साइन आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन N1 × साइन आर, और आर क्या हो जाएगा अगर आप ट्राइंगल देखो आप ये वाला, तो ये थीटा सी होगा, तो ये जाएगा आर पाई बाई टू माइनस थीटा सी, तो इसको लिखूंगा पाई बाई टू माइनस थीटा सी। तो ये साइन आई मैक्सिमम जो हो गया आपका वो हो गया N1 × कॉस थीटा सी। अगर हम देखें साइन थीटा सी कितना होगा, तो साइन थीटा सी हम लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट दैट N2 upon N1 तो कॉस थीटा सी क्या हो गया बच्चों यहाँ से, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, तो ये हो जाएगा N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर अपॉन N1। फिर अपन यहाँ प्लेस कर देंगे कॉस थीटा, तो साइन आई मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से देखें तो आई का मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा मैं, वो बोलूंगा न्यूमेरिकल अपर्चर दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, सो दैट वुड द करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आई मैक्सिमम, ये हो जाएगा आपका आई मैक्सिमम, दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर। तो राइट आंसर जो होगा बच्चों उसका वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।